हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सरताज और आप देख रहे हैं सरताज फर्नीचर आई के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि गोल चकला कैसे काटा जाता है। बिल्कुल राउंड थोड़ा भी फर्क नहीं होगा, बिल्कुल गोल चकला हम आज आपको काट के दिखाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना जो कि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम एक प्लाई का पीस लेंगे, लगभग 3 इंची चौड़ा, ठीक है, 3 या 2 इंची चौड़ा, जितना मर्जी आपकी, जितना मर्जी ले सकते हो आप, ठीक है। दोस्तों हम चकला बनाएंगे लगभग 9 इंची का, ठीक है, 9 इंची का चकला बनाएंगे। हम इस पे निशान लगा लेंगे 4.5 इंची पे, 4.5 इंची पे इस पे निशान लगा लेंगे ऐसी, इस तरह की प्लाई लेकर के। ये देखिए दोस्तों, हम 4.5 इंची पे निशान लगाएंगे, उस निशान से यहाँ से हम इसको प्लाई को काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये जो निशान पहले लगाया था वो हमने काट दिया है। ये 4.5 इंची पे हमने यहाँ से ये कील इसमें लगा रखी है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम बीचों बीच, जो जिस बोर्ड में से हम चकला काटेंगे उसके बीचों बीच इसको हम ठोक लेंगे, ठीक है। इस तरह हम ये कील ठोक लेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह मशीन हमारी चलेगी। दोस्तों कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह हम राउंड चकला काटते हैं। छोटी आरी देखते हैं कि हाँ छोटी आरी से राउंड चकला काटेंगे, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ, मतलब किसी और ही तरह से, उससे इतना राउंड नहीं कट पाता है। हम आपको दिखाएंगे कि कटर मशीन से हम किस तरह बिल्कुल राउंड चकला काट सकते हैं, बिल्कुल गोल होगा, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा। दोस्तों मशीन को इस तरह रख के हम ब्लेड देख लेंगे, मशीन का ब्लेड 4.5 इंची दूर होना चाहिए, जो बीच में हमने कील लगा रखी है उस कील से 4.5 इंची दूर होना चाहिए मशीन का ब्लेड। वहाँ पे हम इसको, यहाँ पे इसकी थल में 2 कीले मार लेंगे, ठीक है। इस तरह हम बड़े आसानी से बिल्कुल राउंड चकला काट सकते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हमारी मशीन चलेगी। अभी हम आपको मशीन चला के दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो हम यूट्यूब पर लाते रहते हैं। दोस्तों हमारी हर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, ये हम कील मार चुके हैं, इस तरह थोड़ा थोड़ा ब्लेड करके चलाएँगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल राउंड हमारा कट चुका है, मतलब बिल्कुल ही गोल निशान लगा है, आप देख सकते हैं। इस तरह बिल्कुल फ़र्क नहीं आ सकता। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्लेड नीचे को हम करते रहेंगे और मशीन चलाते रहेंगे। एक साथ पूरा ब्लेड नीचे को नहीं करना है, वरना मशीन फूक भी सकती है, ये चोट भी मार सकती है, ब्लेड फंस जाएगा उसमें, इसलिए इसको धीरे धीरे एक एक सूत करके ब्लेड को नीचे करना है। इसको कई बार में काटना होता है दोस्तों, पहली बार में ये नहीं कट सकता। इस तरह हम धीरे धीरे इसका ब्लेड नीचे को करते रहेंगे और हम बोर्ड को काट सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल राउंड हमारा कट है, बिल्कुल गोल चकला हमारा ये कट चुका है। देखिए दोस्तों, अब इसको ना थोड़ा, इसमें थोड़ी बहुत आँस रह जाती है साइड में, यहाँ पे थोड़ी बहुत आँस रह जाती है इसमें, इसलिए हम इसको दोबारा से बांधेंगे और दोबारा इसको ब्लेड को दोबारा मशीन चलाएंगे इसको एक्सार करने के लिए दोस्तों, ठीक है।
दोबारा इसको हम कर लेंगे। इसमें एक दो आँस जो भी रह जाती है उसको साफ़ करने के लिए दोबारा मशीन इस तरह घुमा देंगे, ठीक है। बिल्कुल ही बहुत अच्छा चकला कटेगा आपका, और आप चकला ही नहीं कुछ भी काट सकते हैं, जैसे कि गोल आपके ऊपर छत में पंखा लगाते हैं वहाँ के लिए कभी कभी बॉर्डर बनाना पड़ता है, सोचते हैं गोल बोर्ड हम किस तरह काटते हैं, लकड़ी से आरी से काटना पड़ेगा, छोटी आरी ढूंढते हैं, किसी किसी के पास आरी भी नहीं होती। तो दोस्तों इस तरह हम बड़े आसानी से कटर मशीन से कुछ भी राउंड में काट सकते हैं, गोल चकला भी काट सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया कि गोल चकला हम कितनी आसानी से काट सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों।